33 वर्ष बाद दिग्विजय सिंह नापेंगे राजगढ़ के गांव-गांव। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। 31 मार्च से करेंगे पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 वर्ष बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव नापेंगे। इसकी शुरुआत में 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी के दर्शन कर पदयात्रा से करेंगे। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनाव तीस चरण में होगा। क्षेत्र में चाचौड़ा, राघोगढ़, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सुरसनेर और सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 वर्ष बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव नापेंगे। इसकी शुरुआत वे 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी के दर्शन कर पदयात्रा से करेंगे। क्षेत्र में चाचौड़ा, राघोगढ़, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सुसनेर और सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन पदयात्रा होगी और रात्रि विश्राम भी उसी क्षेत्र में करेंगे। एक एक करके 8 विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा होगी, जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले समाप्त कर ली जाएगी। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनाव तीसरे चरण में होगा। इसके लिए नामांकन पत्र 12 अप्रैल से स्वीकार किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह का मुकाबला राजगढ़ से 2 बार के सांसद भाजपा के रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह ने इसके पहले राजगढ़ लोकसभा से 3 चुनाव 1984, 1989 और 1991 में लड़े थे। 1989 का चुनाव वे भाजपा के प्यारेलाल खंडेलवार से पराजित हो गए थे। 1993 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था और उपचुनाव में उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से चुनाव लड़वाया था। 1991 के बाद अब वे राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। अब आम जन से संपर्क के लिए गांव-गांव पहुंचने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन पदयात्रा करेंगे, जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की होगी। इसकी शुरुआत सुसनेर विधानसभा के 31 मार्च को नलखेड़ा में माता बगलामुखी के दर्शन के साथ होगी। मार्ग का निर्धारण विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक गांवों से संपर्क हो जाए। इस दौरान नुक्कड़ सभाएं भी होंगी। 2 अप्रैल को यात्रा राजगढ़ में प्रस्तावित की जाएगी। इसकी तरह अन्य विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग तिथि निर्धारित की जा रही है। रात्रि विश्राम किसी गाँव में होगा जहाँ चौपाल लगाई जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।